आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में, चूंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट अगर आप देखिए तो एक तरह से आप बेहतर रिजल्ट कह सकते हैं, चूंकि इसके लॉस जो है वो नैरो होते हुए दिखा है, अराउंड 7,296 करोड़ के आसपास का लॉस रहा है। और वहीं इस स्टॉक के अगर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू में अराउंड 14% का इंक्रीज होते हुए दिखा है। पर्सनली मेरा व्यू इस स्टॉक को लेकर के अभी भी वो बुलिश नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक को देखेंगे तो जिस प्रकार से कंसोलिडेट फॉर्म में यस बैंक ट्रेड हो रहा था, उसी प्रकार से ये स्टॉक पिछले काफ़ी दिनों से, या फिर आप ऐसा कहें कि पिछले काफ़ी महीनों से इस स्टॉक का कंसोलिडेशन जोन देखेंगे तो अराउंड 8 रुपीज़ से लेकर के 9 रुपीज़ 50 पैसे 10 रुपीज़ के आसपास तक का एक कंसोलिडेशन जोन है। तो मेरा पर्सनली मानना होगा अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो पोजीशन बनाए रख सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं तो 10 रुपीज़ 50 पैसे के ऊपर के क्लोजिंग के लिए आपको वेट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्पज से देखें तो इस समय स्टॉक 50 DMA के ऊपर है, क्योंकि रिजल्ट बेहतर रहे हैं, लॉस नैरो होते हुए दिखा, रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखा है, तो कल इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड दिख सकता है। लेकिन अपट्रेंड में पार्टिसिपेंट इंट्राडे लेवल पे तभी करेंगे जब ये स्टॉक 9 रुपीज़ 50 पैसे के ऊपर जाए, 9 रुपीज़ 50 पैसे के ऊपर बाइंग करेंगे तो स्टॉप लॉस 9 रुपीज़ के नीचे के स्टॉप लॉस को लगा करके 10 रुपीज़ 50 पैसे टू 11 रुपीज़ तक के टारगेट रखेंगे। अगर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ओपनिंग होती है या 9 रुपीज़ 50 पैसे के नीचे सस्टेन करता है तो लॉन्ग करने से बचे, फिर एक डाउन ट्रेंड भी